नौकरी पर है आपका हक, चले लक्ष्य से लक्ष्य तक, बेरोजगारी से करने दो दो हाथ, लक्ष्य आ रहा है ऑनलाइन अपनी पूरी टीम के साथ। ये वीटा मिल्क प्लांट में भ्रष्टाचार का मामला है, वीटा मिल्क प्लांट में भारी गबन हो रहा है, इसमें प्लांट के अंदर भारी गबन चल रहा है, इसका कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैंने बार बार डीसी साहब को, एमडी साहब को, सीओ साहब को, अनिल विज साहब को, कटर साहब को मेल भी भेजी है, सीएम इंडो भी लगा रखी है, आरटीआई भी मांग रखी है, इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर मैंने एक दिन का धरना रखा, धरना रख के सीओ साहब को ज्ञापन सौंपा। मैंने सीओ साहब को ज्ञापन सौंपने बाद उनको एक हफ्ते का टाइम दिया था, अभी एक हफ्ते के अंदर आप हमारी समस्या सुनते हो तो ठीक है, नहीं तो हम 17 तारीख से धरने पर बैठेंगे, पड़ाव डालेंगे। हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, फिर हमने वहाँ अपना पड़ाव डाल दिया, 17 तारीख को धरने पर बैठ गए सभी। उसके बाद कोई अधिकारी हमारे पास आया नहीं, एक दिन अधिकारी कुछ आए थोड़े बहुत, वो अपनी ऐसी ऐसे वैसे बोल के चले गए। उसके बाद हम बैठे रहे, 8 दिनों बाद हमारे पास अधिकारी आए, डायरेक्टर आए, चेयरमैन आए, कुछ और पूर्व चेयरमैन भी मौजूद थे, पूर्व डायरेक्टर भी मौजूद थे, गांव के मेरे पूर्व सरपंच भी मौजूद थे। उन लोगों सब के सामने उन्होंने आश्वासन दिया हमें कि आप आज के बाद ना तो कोई प्राइवेट दूध उठेगा और ना ही राजस्थान का दूध आएगा, सही से कमेटी बना के हम जाँच करेंगे। वो जाँच उन्होंने शुरू की, वो फर्जी तौर पर की। उस जाँच के नाम पर उन्होंने जो सोसाइटियों बंद पड़ी सोसाइटियों उनमें दूध चढ़ रहा था प्राइवेट, उस दूध की जो कागजात थे वो पूरे करने के लिए गए थे, वो जांच के बहाने से उनके कागजात पूरे किए उन्होंने, ना कि जांच की है। जो उनके कमियां थी ना उनके रिकॉर्ड में, वो रिकॉर्ड में कमियां पूरी करने के लिए गए थे जांच के बहाने से, उनके अपने रिकॉर्ड पूरे कर दिए, ऐसे ऐसे दूध सही है, कागजों में सही दिखा दिया। धरातल पर जाके आप देखें तो जिस जिस गाँव में सोसाइटी चल रही है वो पूरी सोसाइटियाँ चल नहीं रही है। जिस गाँव में, मेरे गाँव में 14 सोसाइटी चल रही है और उनमें से सिर्फ 8 सोसाइटी हकीकत में चल रही है, 6 सोसाइटी नजायज है, उनमें नजायज़ दूध चढ़ाया जा रहा है, राजस्थान का और प्राइवेट डेयरियों का दूध। कुछ कई गांवों से मिलावटी दूध भी उठा रहे हैं ये लोग, उनसे मिले हुए हैं, पैसे ले रहे हैं, मंथली ले रहे हैं, सरेआम ले रहे हैं। जाँच की जरूरत है ही नहीं, सरेआम दिखाई दे रहा है, ये चोड़े चुगान ले रहे हैं खुले में खुले। ये प्लांट का सीईओ है ना बिशंबर सिंह, और बागीराम इंचार्ज है, सीताराम सोनी है, ये सब लोग है ना, ये बने बैठे हैं, वो हिटलर बने बैठे हैं, अपनी मनमर्जी चलाते हैं, प्लांट के अधिकारियों को दूसरे को भी दबाए रखते हैं, उनको बोलने नहीं जाते, जैसा ये चाहते हैं ना वैसा ही उनको करना पड़ता है मजदूरी, बस क्योंकि उनको नौकरी करनी है। अगर वो इनके खिलाफ आवाज़ उठाएँ तो उनको ये यहाँ से निकाल देंगे, दूसरी जगह भेज देंगे और कर देंगे, वो भी इनसे परेशान है। आपने बात करी कि जैसे हो गया प्राइवेट सोसाइटी के अंदर दूध चढ़ा दिया, राजस्थान से लेके आए, 5 रुपए सीएम सब्सिडी खा गए, उसमें चढ़ा दिया दूध, 5 रुपए सीएम सब्सिडी खा गए। इनकी मिली भगता सेटिंग ये रखते हैं, इनकी सह बगैर कोई सहकारी समिति की हिम्मत नहीं है, ना बीएमसी की ना एमसीसी की हिम्मत है भी ये घपला कर जाए। इन्होंने सह दे रखी है, छूट दे रखी है खुली, आप अगर महीने के 20 लाख कमाओ 10 हमें दो, छूट दे रखी है इस चीज़ की भी, आप कमाओ और हमें दो। धरने पे आपको क्या आश्वासन दिया था जब धरने पर ये कहा गया था भी आपकी सारी मांगें पूरी कर रहे हैं हम, रेट की है बात, रेट हम हमारे ठीक है कुल मिला के, चलो कोशिश करते हैं हम, 5 कमीशन भी हमारा 3.5% पड़ा है 20 सालों से, उसके लिए भी हमने मांग रखी थी, भी बिजली के बिल बढ़ गए, दुकान का किराया बढ़ गया है, अन्य खर्च भी बहुत बढ़ गए, रजिस्टर लेते तो उसके भी पैसे बढ़ गए, हर चीज़ के पैसे बढ़ गए, तो हमारा कमीशन भी बढ़ा हुआ 5% किया जाए उसको। तो उसकी शिकायत वगैरह जी सब जगह की है, पहले सीओ साहब से स्टार्ट हुआ हूँ, उसके बाद डीसी साहब को की है, सीटीएम साहब को की है, फिर मैंने सीजीएम साहब को की है, चंडीगढ़ कोहली साहब को, एमडी साहब को की है, कटर साहब को, विज साहब को, सबको मेल दी है। उसके बाद मैंने सीएम इंडो भी लगाई है, आरटीआई भी लगाई है। क्या कहते हैं बड़े अधिकारी? कुछ नहीं कहते, कोई जवाब नहीं आया मेरे पास से। तो अब आप क्या करते हैं? हाँ जी, आप क्या करते हो?
मैं ये चाहता हूँ ये मिल्क प्लांट है, ये जनता का है और जनता ने इसको सींच के बनाया है और ये बचा रहे, जनता के धरोहर है और जनता के लिए बनी रहे। इसको ये लोग बंद करने पे तुले, ये चाहते भी ये उजड़ने वाला है तो आप अपना घर भर लो जल्दी जल्दी, ये बंद होने वाला है, ये बंद करने पे राजी है, ये बंद हो जाए हम अपना घर भर ले पहले पहले। और हम इसको चलाना चाहते हैं, पेमेंट सही नहीं आ रही जी, पेमेंट अब 60 दिनों की पेमेंट बकाया है प्लांट में, 3 महीने की CM सब्सिडी बकाया है। ये पेमेंट के लिए कह रहे हैं भी हमारा माल कम बिक रहा है, ना तो ये मार्केटिंग कर रहे हैं, इनके बंदे हैं जो भी है कोई काम करके राजी नहीं है, फील्ड में कोई जाते नहीं है लोग, जहाँ स्टोर है वहाँ माल ही नहीं होता, कहते हमारी सेल नहीं है, स्टोर में घी मांगे घी नहीं मिलता, फिर माल भी किया कहाँ से जी। आपको पंचकूला MD ने बुलाया था जांच के लिए? हाँ जी हाँ जी। क्या बना था? मेरे सामने उन्होंने यहाँ जींद के CEO है नैन साहब, BS नैन है, उनको फ़ोन किया था भी आप वहाँ सिरसा जाओ जांच करो, तो उसके बाद उन 1 तारीख का टाइम दिया था, वो 1 तारीख को मैंने उनसे बात की, CEO साहब मैं आप पूछ गए क्या? वो बोले मैं पूछ गया आप आ जाओ। मेरे आने के बाद वो बोले भी तुम्हारी तो कोई कंप्लेंट ही नहीं है मेरे पास, एक तो सुखपाल की कंप्लेंट है, एक मांगीराम की कंप्लेंट है, और मैं हेडक्वार्टर के बगैर डायरेक्शन के बगैर कैसे आपकी सुनवाई कर सकता हूँ। तो मैंने बोला मैं आप मेरे सामने बात हुई, उन्होंने मेरे को आया भी आप अपने जो प्रूफ है वो उनको दो और दिखाओ, अपनी समस्या बताओ उनको। तो मैंने फ़ोन पे कोहली साहब को बात की मेरे फ़ोन से, तो उन्होंने मेरा फ़ोन लेके CEO साहब को नैन साहब को मैंने दे दिया, उनसे बात कर ली, उन्होंने फ़ोन पे उस टाइम तो मेरे को पता नहीं क्या कहा है, बाद में CEO साहब और जो दिसंबर साहब है वो और नैन साहब किसी काम थोड़े बाहर चले गए, मैंने सुना उसको फ़ोन पे, तो उन्होंने ये कहा भी यार इसकी भी सुन ले, थोड़ी सुन के इसको भगा दे, दफा कर दे इसको। इसके बाद मेरे को बोले भी आप कोई एक बिल लेके आओ, मैं गाड़ी में बिल लेने के गया पीछे से ये निकल गए, उनको इन्होंने गिफ्ट पेश करके निकाल दिया भी आप जाओ आपकी जाँच पूरी है। हाँ कोई सुनवाई नहीं हुई जी। हाँ जी बड़ी जांच होनी चाहिए। हाँ बड़ी जांच होनी चाहिए, इनके प्लांट से कोई अधिकारी ना हो जांच में शामिल, या तो DC साहब कमेटी गठित करे या हरियाणा सरकार करे भी कमेटी गठित करके इसकी पूरी तहकीकात की जाए। इसमें हर जगह घोटाला है, सरकारी गाड़ी का मिस यूज करते हैं ये लोग। सीताराम सोनी है उसकी पैर में चोट लगी थी यार, तो उसके लिए गाड़ी यूज हुई है, चंडीगढ़ गई है, दिल्ली गई है, गुड़गांव गई है, उसको ये दिखाते ये हैं भी सरकारी काम से प्लांट के काम से गाड़ी गई है, वो गाड़ी का मिसयूज़ करते हैं, अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए सरकारी गाड़ी का मिसयूज़ करते हैं। आप जो आप ये आपके पास क्या आपके पास कोई ठोस सबूत? हाँ सबूत है मेरे पास है इसका ठोस सबूत। इसके अंदर क्या है, इन्होंने 2012 के अंदर एक केस है, मेरा खुद की सोसाइटी थी पवन कुमार शर्मा के नाम से, मेरे फादर साहब हैं, तो उसके अंदर क्या है कि उस टाइम 2012 के अंदर इस मिल्क प्लांट का जो डायरेक्टर था वो महेंद्र पूनिया था। उसके अंदर CM विंडो के अंदर एक रिपोर्ट है जिसकी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इस पूरी रिपोर्ट के अंदर इन्होंने क्या किया है कि फ़ोन, जीप किराया और शेयर पूंजी और जो संघ में जो पार्टी की गई थी उसके पैसे मेरे पापा की पेमेंट से काटे हुए इन्होंने। उसकी एक कॉपी मैं आपको दे देता हूँ यहीं, और दूसरा इसके ऊपर उसके बाद में 2012 के अंदर पापा ने एक 6 नवंबर 2017 के अंदर पापा ने एक RTI लगाया था, उसके अंदर ये पूरा विभाग दोषी पाया गया था। उसकी एक रिपोर्ट मैं आपको अभी दे देता हूँ। और दूसरा ये जो CM विंडो की जो कार्रवाई थी CM 2017 के अंदर 108/642 इसके अंदर है, मैंने पूरी दो साल तक ये कंप्लेंट चली है मेरी। 14/6/2019 को इन्होंने अपने आप इसको क्लोज कर दिया, ना हमें कोई इंटीमेशन दिया ना कोई बात, पूरा ये तो अब आए हैं इसके अंदर, हम पहले के भुगतभोगी हैं इसके अंदर, बहुत सालों से इसके अंदर SS कोहली होता था उस टाइम, तो उसने बहुत सारे गबन किए हैं इसके अंदर। अब ये क्या करते हैं CM सब्सिडी के थ्रू 5 रुपये का जो इनका सिस्टम है ना, वो आधे आप खाते हैं आधे किसी संचालक को देते हैं, प्राइवेट डेयरियों को आधे आप देते हैं आधे लेते हैं। ये प्राइवेट डेयरियों से इन्होंने बड़े बड़ा मार्जिन है, सहकारी समितियों से नए उठा के प्राइवेट से उठाने की कोशिश करते हैं। हाँ जी हाँ वीडियो दिखा बेटा, वीडियो दिखा दो वीडियो उस पे। और मेरी बात अधूरी रह गई जी। अच्छा। उस टाइम मैं वापस आया कागज़ लेके, तो CEO साहब नैन साहब और वो दोनों वहाँ नहीं थे, वो बोले किसी से पूछा वो लंच पे गए बाजार में, तो मैं बाहर जो बाथरूम के लिए बाहर निकला तो बागीराम सर जी है इंचार्ज है,
वो फोन पर बैठे थे, वो गाली निकाल रहे थे भी, एक जमाल का ऐसे ऐसे आ गया, ऐरा गरा ना तू पर इसकी ऐसी की तैसी हो जाए, ये आके मेरे हमें परेशान कर रहा है, कागजात मांग रहा है, क्योंकि मैंने मांगे थे जमाल में कितनी सोसाइटियाँ चल रही है उनके नाम पते लिखित में दिए जाए मेरे को। तो सीओ साहब ने तो उनको ऑर्डर कर दी भैया दो इसको, उन्होंने बाहर जाके अपने किसी मतलब जो उनके साथ मिले हुए हैं उन लोगों को फ़ोन किया भी, तंग करा है मेरे को, गाड़ी दी मेरे को, फिर मैंने पर्चा दर्ज करवाया उनके खिलाफ कीर्तिनगर थाने में, फिर वो हमारा राजीनामा हुआ है, सारे लग गए चेयरमैन वगैरह आ गए भैया आप चलो इनको बख्शो, उसने माफ़ी मांगी है मेरे से। उसके बाद 31 तारीख को मेरी वो एप्लीकेशन दी हुई थी, मैं दिल्ली आता हूँ प्लांट में, आज देंगे कल देंगे, आज देंगे कल देंगे, कल मैं जो इंचार्ज बागीराम के पास गया तो बोले हमने सीओ साहब को भेज दिए, सीओ साहब देंगे, हम नहीं देंगे आपको। मैं सीओ साहब के पास गया ना तो मेरी एप्लीकेशन जैसे टेबल पर रखी फेंक दी, मेरे को गेट आउट बाहर निकलो, ऐसे बाहर निकलो नहीं पुलिस को बुलाऊंगा, तुम्हारे खिलाफ केस बनवा दूंगा, सरकारी काम में बाधा डालने का। तो मैं चुपचाप वहाँ से तो निकल आया, तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना, हमें तो अपनी बातें रखनी थी, वहाँ चलाया अपनी मन मर्जी चला रहे, इसलिए सही चल रही है, ताना सही चल रही है, किंग जोंग बना बैठा है, उत्तर कोरिया वाला जो है ना वो बना बैठा है, अपने आप को बहुत बड़ा कुछ समझा है। 15 अगस्त को प्रोग्राम होता है, उस टाइम मतलब सबसे पहले चेयरमैन को बुलाया इसने, और सबसे बड़ा चेयरमैन होता है वो लास्ट में बोला जाता है, प्रोटोकॉल का भी पालन नहीं किया इसने, प्रोटोकॉल में चेयरमैन लास्ट में बोलता है, मुख्य अतिथि होता है चेयरमैन। और ये मेरे साथ है ना जब से प्लांट चालू है, उस टाइम डायरेक्टर रहे हुए हैं संतलाल जी शर्मा है जमाल गाँव से, हम मास्टर थे ऑडियो पे थारकन है नी यस जी ऑडियो थारकन है भाई भाई वीडियो काट दी बैठा की वीडियो भाई ऑडियो तो काट चलाओ थे मैं वीडियो कौन मिली बैठा की बीच की वीडियो मंद है वापस भेज दी मेरे का यस जी वापस भेज दी थे ऑडियो का हाँ ये वो एप्लीकेशन है जो मैं लेके गया था इसके बाबत मेरे को बाहर फेंक दी के ले जाओ ये इतने सारे डॉक्यूमेंट सीएम विंडो वगैरह सब है चेक कर लो आप सब सब एप्लीकेशन लगी है ये चीज़ मांगी थी 10 दिन हो गए इस चीज़ के लिए तुम मैं देखिए वो बात है सुनवा दे एक बार ये भेज दी के मेरे को फोटो लेनी है ले।